हेलो क्लास 10, आज हम बात करेंगे कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्लिपबोर्ड एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पे जो भी आप कट या कॉपी करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और तब तक के रिमूव नहीं होता है जब तक कि आप कोई नेक्स्ट कट या कॉपी ऑपरेशन नहीं करते, है ना। तो इसी को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म या टेम्पररी मेमोरी होती है जहाँ पे ये स्टोर करता है। अ क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी मेमोरी बफर इन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहाँ पे होता है, रैम के अंदर, प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर डेटा फॉर शॉर्ट टर्म इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इट इज़ यूज टू होल्ड कॉपीड एंड कट डेटा टेम्पररली। टेम्पररली ये कट कॉपी ऑपरेशन का जो डेटा होता है ये स्टोर करता है और तब तक के ये मेमोरी में रखता है जब तक कि कोई नेक्स्ट कट कॉपी ऑपरेशन नहीं हो जाता। वाइल ट्रांसफरिंग विद इन द बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, सो वैन यू कॉपी और कट सम डेटा इट टेम्पररली स्टेज इन अ क्लिपबोर्ड सो दैट यू कैन पेस्ट इट। तो इस तरीके से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लिपबोर्ड। अ क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी मेमरी बफर प्रोवाइडेड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर डेटा फॉर शॉर्ट टर्म इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। अभी हम बात करेंगे कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स की, स्टेप्स कैसे है, कैसे आपको कॉपी करना है फाइल या फोल्डर को। तो फाइल या फोल्डर को आपको कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको तो जिस फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका वही है, सिलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर्स टू बी कॉपीड। आफ्टर दैट डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ तो कॉपी कर सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपी है ना, कॉपी ऑपरेशन आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड के अंदर। तो ये देखिए आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम तो कॉपी कमांड दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये देखिए कॉपी कमांड, इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करके, या फिर आप राइट क्लिक से भी कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या, ये देखिए इस तरीके से ये शॉर्टकट मेनू आएगा, यहाँ पे आपको कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+C, Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो वही लिखा है दूसरे पॉइंट में कि राइट क्लिक सिलेक्शन से आप कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। आफ्टर दिस स्टेप सिलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी कॉपीड इनटू अ क्लिपबोर्ड। अभी आपने कॉपी कर लिया, अभी ये कहाँ पे कॉपी हुआ, थोड़ी देर के लिए क्लिपबोर्ड के अंदर, है ना, क्लिपबोर्ड में ही सेव हो गया। मूव टू और ब्राउज टू द डिजायर्ड लोकेशन फोल्डर वेयर द फाइल्स एंड फोल्डर्स आर टू बी कॉपीड। मतलब आप जहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं फाइल या फोल्डर को उस लोकेशन पे जाइए, है ना। उसके बाद उस आइटम को आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट आइटम इन द डेस्टिनेशन फोल्डर्स बाई यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। अब इनमें से एक एक्शन आपको करनी है, होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही आपको पेस्ट कमांड मिलती है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+V का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेस्ट के लिए तीन ऑप्शन है आपके, होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट, या फिर Ctrl+V करके आप पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स की। तो प्रोसीजर वही है, जिस भी फाइल या फोल्डर को आपको मूव करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट आपका वही है, सिलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर्स टू बी कॉपीड, टू बी मूव्ड। यहाँ पे कॉपीड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मूव्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से आपको एक तीन टेक्निक है जिससे आप कट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो वही है, होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड में आपको कट कमांड मिलेगी। दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक करके आपको शॉर्टकट मेनू आएगा, उस शॉर्टकट मेनू से आपको कट ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+X को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे कि आप मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इन तीन स्टेप के बाद में आप उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे आपको मूव करना है ना। मूव टू और ब्राउज टू द डिजायर्ड लोकेशन फाइल और फोल्डर वेयर द फाइल्स और फोल्डर्स आर टू बी मूव्ड, जहाँ पे आपको करना है मूव। उसके बाद वहाँ जाके आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के भी तीन तरीके आपको पता है, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पेस्ट कमांड होती है, या फिर राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कमांड कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+V से भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपिंग एंड मूविंग के प्रोसीजर आपकी समझ में आई। उसके बाद में बात करेंगे रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स की। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करना है, उसको नया नाम दोबारा से कैसे देना है, तो रीनेम कैसे करेंगे हम अभी देखेंगे। कि रीनेम के लिए सबसे पहले आपको फिर क्या वही करना पड़ेगा, फाइल एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा, कंटेंट पैन ओपन होगा, उस कंटेंट पैन में आप उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको रीनेम करना है, ठीक है।
तो इन द फाइल एक्सप्लोरर कंटेन पैन सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी रीनेम आफ्टर दैट डबल क्लिक डू वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डबल क्लिक द फाइल और फोल्डर या तो डबल क्लिक करेंगे फाइल फोल्डर का और होम टैब के अंदर ऑर्गेनाइज ग्रुप में आपको रीनेम कमांड मिलेगी ठीक है उस रीनेम कमांड पे आपको ये देखिए रीनेम कमांड मिलने से आपको जो फोल्डर है वहाँ पे आप नए से नया नाम टाइप कर सकते हैं और द राइट क्लिक द फाइल एंड फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू सिलेक्ट द रीनेम या फिर आप उसी फोल्डर या फाइल पे क्लिक करके राइट क्लिक करके रीनेम को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके का शॉर्टकट मेनू आएगा वहाँ से आप रीनेम सिलेक्ट कर सकते हैं है ना या फिर आपको F2 प्रेस करने से भी रीनेम हो जाएगा ठीक है तो अबो एक्शन विल सिलेक्ट द करेंट फाइल नेम टेक्स्ट टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर अभी आपको बस नया नाम टाइप कर देना है और एंटर को प्रेस कर देना है ठीक है यू कैन ऑल्सो रीनेम द फाइल और फोल्डर इन द नेविगेशन पैन बाय डूइंग दिस अब नेविगेशन पैन के ही अंदर आप रीनेम कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर टू बी रीनेम ठीक है राइट क्लिक कर लेना है फाइल और फोल्डर को जिसको आपको रीनेम करना है एंड देन सिलेक्ट द रीनेम फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू फिर आप शॉर्टकट मेनू से रीनेम को सिलेक्ट कर लेंगे टाइप द न्यू नेम ओवर द सिलेक्टेड नेम एंड प्रेस द एंटर नया नाम टाइप करके एंटर को प्रेस कर देंगे अब हम बात करेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करना है तो डिलीटिंग से ये फाइल या फोल्डर कहाँ जाएगा आपको भी पता है कि जब हम कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में जाता है जिससे कि आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हो है ना तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा किसी भी फाइल या फोल्डर को जिसको भी आपको डिलीट करना है उसको आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है यू डिलीट सिलेक्टेड फाइल्स और फोल्डर्स बाय यूजिंग द डिलीट कमांड ठीक है द डिलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर मूव टू अ स्पेशल एरिया कॉल्ड अ रिसाइकल बिन यही मैंने अभी आपको बताया विच इज अ होल्डिंग एरिया फॉर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स एज लॉन्ग एज डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर इन रिसाइकल बिन दे कैन बी रिस्टोर मतलब आप उसको रिस्टोर करके दोबारा से अनडिलीट कर सकते हैं वंस अ परमानेंटली डिलीटेड दे कैन बी रिस्टोर अगर आपने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया तो वो अब दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकती फाइल्स आर परमानेंटली डिलीटेड ओनली आफ्टर दे आर डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकल बिन मतलब परमानेंटली कोई भी फाइल कब डिलीट होगी जब आप उसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देंगे तब वो फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगी है ना कंप्यूटर से अब डिलीट करने के स्टेप्स को हम देखेंगे कि कैसे डिलीट करना है तो डिलीटिंग के लिए आप सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेंगे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद में इन द कंटेंट पैन सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड तो कंटेंट पैन में से फाइल या फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको डिलीट करना है उसके बाद में प्रेस द डिलीट की आप कीबोर्ड से भी डिलीट की को प्रेस कर सकते या फिर होम टैब के अंदर ऑर्गेनाइज ग्रुप में भी ये देखिए डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इस डिलीट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है आपने या फिर आप शॉर्टकट मेनू राइट क्लिक करके उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन आ रहा है तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से भी और द राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द डिलीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू विंडोज विल आस्क टू कंफर्म बाय डिस्प्लेइंग द डिलीट फाइल डायलॉग क्लिक यस टू कंफर्म द डिलीशन अब यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन पूछा जाता है कि आपको सच में आप डिलीट करना चाह रहे हो फाइल या फोल्डर को इफ़ यू वॉन्ट टू रियली डिलीट दिस फाइल then you will be click on the yes button if not then you will be click on the no button this is the definition of the recycle bin ek holding area hota hai kiske liye deleted file ya folder ke liye ek holding area hota hai jisse ki aap usko un file ya folder ko undelete ya recover bhi aap kar sakte ho hai na to so recycle bin is a holding area for a deleted files or folders as long as the deleted files and folders are in recycle bin they can be restored and undeleted After that, it will now send the selected files or folders to the recycle bin. अभी आपने यहाँ पे yes कर दिया अब ये कहाँ गया Recycle bin के अंदर गया However, if you are deleting file from an external disk such as pen drive, it will not go into the recycle bin. क्या मतलब हो रहा है इस चीज़ का कि अगर आपके सिस्टम में पेन ड्राइव आपने लगाया है और उस पेन ड्राइव में से कोई आइटम आप डिलीट कर रहे हो तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा जबकि ये परमानेंटली ही डिलीट हो जाएगा रेदर इट विल बी डिल परमानेंटली डिलीटेड तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि अगर कोई एक्सटर्नल मीडिया आपने लगाया स्टोरेज मीडिया आपने लगाया है और उसमें से आप कुछ डिलीट करने जा रहे हो तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आफ्टर दैट रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स अब जो आपकी फाइल रिसाइकल बिन में चली गई वहाँ से उसको रिस्टोर कैसे करना है
तो ये बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन दिखता है, उस रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये आपको रिसाइकल बिन का पूरा कंटेंट आपको दिखाएगा कि जो जो डिलीट हुआ है उसके अंदर सब कुछ स्टोर रहेगा। फिर आप उस फाइल या फोल्डर पे जिसको आपको रिस्टोर करना है उस पे आप राइट क्लिक करके रिस्टोर ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि वो फाइल या फोल्डर जिस लोकेशन पे था, जहाँ से डिलीट हुआ था, वहीं पे जाके ये दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। तो देखेंगे, ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकॉन, रिसाइकल बिन आइकॉन पे डबल क्लिक करना है। रिसाइकल बिन विंडो विल ओपन। अब ये रिसाइकल बिन का विंडो ओपन होगा जिसमें कि सारे डिलीटेड फाइल या फोल्डर आपको दिखेंगे। हेयर लोकेट द फाइल्स दैट यू वॉन्ट टू रिस्टोर, इफ़ अनेबल टू लोकेट यू मे राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया एंड सॉर्ट फाइल्स बाय वन बाय वन। ये तो सॉर्टिंग के लिए बताया, सॉर्ट बाय नेम, ओरिजिनल लोकेशन, डेट, डिलीटेड, मतलब कोई बहुत सारी फाइल्स है आपको सर्चिंग में दिक्कत आ रही है तो आप नेम से सर्च कर सकते हो या ओरिजिनल लोकेशन के द्वारा सर्च कर सकते हो। तो ये सर्चिंग के ऑप्शंस हैं। यू मे ऑल्सो सर्च फॉर योर फाइल फोल्डर इफ़ यू नो द नेम, नेम से भी आप कर सकते हो। सिलेक्ट द फाइल्स टू बी रिकवर्ड, अब उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको रिकवर्ड करना है। उसके बाद में क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन टूल्स मैनेज टैब। टूल्स मैनेज टैब में आपको देखेंगे रिस्टोर ग्रुप, रिस्टोर ग्रुप में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स कमांड, ये वाली कमांड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। सो इट विल अनडिलीटेड एंड सिलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड सेंड देम टू द लोकेशन फ्रॉम विच दे वर डिलीटेड, तो वहीं पे वो चला जाएगा। अब परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स का क्या होगा कि इफ़ यू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन बाय सिलेक्टिंग देम, राइट क्लिकिंग एंड चूजिंग डिलीट, द सिलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी परमानेंटली डिलीटेड। इस तरीके से जो रिसाइकल बिन के अंदर जो आपका डेटा है, जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अब एम्प्टी रिसाइकल बिन क्या है, यू कैन परमानेंटली डिलीट ऑल द फाइल्स रिसाइडिंग इन रिसाइकल बिन बाय एम्प्टिंग द रिसाइकल बिन। टू एम्प्टिंग रिसाइकल बिन, एम्प्टी करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल बिन टूल्स मैनेज टैब में जाना पड़ेगा, मैनेज ग्रुप के अंदर आपको एम्प्टी रिसाइकल बिन मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए एम्प्टी रिसाइकल बिन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो उससे जो है वो आपका रिसाइकल बिन एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका ये सेशन भी कंप्लीट हो गया।